इतना हराम कर रखा है, सारा दिन तेरी खसखस, तेरी बीमारी एक, तेरी दवाइयों का खर्चा, भट्टा बैठ गया मेरे घर का तो। अब तो एक काम कर, जल्दी से खड़ी हो, और वो सामने मेरा ना भाई खड़ा है बाइक लेके, और उसके साथ ना वृद्धाश्रम में चली जा, अब तू ना वहीं पे रहेगी, समझी? चल खड़ी हो, दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी माँ और वृद्धाश्रम में रहेगी क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? और ना नीची आवाज में बात करो, तुम्हें पता है ना कि मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रही तुम्हारी माँ की बात, तो तुम्हारी इस छोटे से खेत की काम में हमारा घर का खर्चा तो चलता नहीं, और ऊपर से तुम्हारी वो जो बुढ़िया माँ है ना, उसकी दवाई का खर्चा और बढ़ गया है, कहाँ से लेके आऊंगी? गुलाबो तुम्हें पता है ना, मैं मेरी माँ के बगैर नहीं रह सकता, और मेरी माँ भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब आदत डाल लो जी, ये तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और तुम्हारी माँ के लिए भी। और हाँ, अब जाके ना मोनू को ट्यूशन से ले आओ, काफी देर हो गई है, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आज मुझे ना मेरी सहेलियों के साथ शाम को पार्टी में जाना है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं दे रहा, जाओ मोनू को लेके आओ ट्यूशन से। एक गिलास पानी ला दीजिए प्लीज, बहुत जोर की प्यास लगी है। आप मोनू को ट्यूशन से ले आए क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बाहर खेलने गया है क्या? नहीं, मैं उसे छोड़ आया हूं। छोड़ आए? कहां छोड़ आए जी? अनाथ आश्रम में छोड़ आया। अनाथ आश्रम? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, और तुम मुझे चिल्ला के बात मत कर, मुझे भी ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मोनू को मैं अनाथ आश्रम छोड़ आया हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, मेरे बेटे मोनू को आप ले आइए वापस वहां से, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या कहा? तुम मोनू के बिना रह नहीं सकती? कभी तूने सोचा है मैं मेरी माँ के बिना कैसे रह पाऊंगा? जब बात तेरे बेटे की आई तो रोने लगी, और मेरी माँ के बारे में ये नहीं सोचा कि वो अपने बेटे के बिना कैसे रह पाएगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दीजिए। प्लीज आप मोनू को वापस ले आइए जी, मुझे माफ कर दीजिए।
माफी मांगनी है तो तू उस माँ से मांग जिसके जिगर के टुकड़े को तूने उससे अलग कर दिया। तो उस बेटे को छीन रही थी उससे। अरे तुझे तो उसकी सेवा करनी चाहिए थी और तू उसे अनाथ आश्रम छोड़ आई। और सुन, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं जो एक बेटे को उसकी माँ से जुदा कर दूं। जा ले आ मोनू को, काकी के घर बैठा है। मुझे माफ कर दो जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन सबसे पहले है ना, हम दोनों वृद्धाश्रम चलते हैं। मैं माताजी से पैर पकड़ के माफी मांगूंगी और हम दोनों मिलके ना उन्हें इस घर में वापस लेके आएंगे जी। चले चलो। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने सास को सास नहीं बल्कि माँ समझे और जो गलती इस वीडियो में मैंने की है वो गलती आप भूल कर भी ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जो छोटी सी बेल होती है उसे जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।